देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बाढ़ से 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में आंधी और भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से राज्य के 3 जिलों उत्तर त्रिपुरा, उनाकोटी और धालाई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से मानू, जूरी और काकटी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ से जहां 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं, वहीं 1000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 22 टीमें लगाई गई हैं। कल 10 बजे से लेके आज अभी तक चल रहा है हमारा रिलीफ का काम, तो रिलीफ का काम चलता रहेगा। तो आज सुबह हमने, कल तो था टीएसआर बैटालियन था, पुलिस था, फायर सर्विस था, सब डिविजन विशेषण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा था। तो आज हमने 22 हमको मिला है, 22 एनडीआरएफ का टीम, एक 9 स्पीडबोट है उनके पास, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। एंड हमने बैकअप के लिए और स्पीडबोट मंगा रहे हैं, अगरतला से भी लगे कर रखे हैं। और रिलीफ कैंप में हमने खिचड़ी, कहीं के बार चावल, कहीं के बार चीरा गुड़, ये सब दिया जा रहा है और पानी दिया जा रहा है हर जगह पर। बच्चों के, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग के ऊपर नज़र रख रहे हैं हम लोग, और यहाँ के डिप्टी स्पीकर से लेके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्लॉक का, सब डिविजन का, हर कोई फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, आशा कर रहे हैं हम लोग कि नेक्स्ट 24 आवर में अगर बारिश नहीं होता है तो हम पूरा सिचुएशन लगभग हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, फायर फाइटर टीम, जिला और प्रशासन भी बचाव कार्य में जुट गए हैं। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए पीने के पानी और खाने की व्यवस्था की है। अभी तक बाढ़ के कारण किसी की मौत की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।